शहर के शहीद चौक पर कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों के प्रदेश पर सरकार के खिलाफ बढ़े हुए बिजली के रेट पर नई परवान नीति के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया है और मशाल जुलूस में भी शहीद चौक से प्रारंभ होकर लोहिया बाजार से होते हुए वापस शहीद चौक पर समाप्त किया गया है। और इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य में कहा है कि बीजेपी सरकार आई है और हर रोज दमन की नई नई नीतियां अपना रही है, जिसमें से गरीब जनता पीस रही है और मोटर वाहन के भी जुर्माने के भी विरुद्ध भी बढ़ा दिए गए हैं और जुर्माने के इस विरुद्ध के कारण भी आमजन पीस रहा है, जनता के भय का माहौल है। और वहीं जिला अध्यक्ष सितारिक कुरैशी ने भी कहा है कि तक बीजेपी की सरकार अपने आई करने नियमों को भी वापस नहीं लेगी और कांग्रेस के अब विद्रोह करती रहेगी। और मोहम्मद तारिक कुरैशी अध्यक्ष, किस तरह का प्रदर्शन किया गया है, क्यों किन मांगों को लेकर किया? ये आप लोग सभी देख रहे हैं कि बेतहाशा विद्युत दरों को बढ़ा दिया गया है, 12 से 15% तक विद्युत दरें बढ़ाई गई हैं 12% के लगभग। ये गरीब आदमी के लिए तो बहुत थोड़ी भी विद्युत दरें उसे ख़त्म कर देने के लिए आज जो हालात हैं मंदी के, बेरोज़गारी के, वो काफ़ी थी, लेकिन ये तो दरें उद्योग के उद्योगपति और धनपतियों को भी ख़त्म कर देंगी। जो उद्योग मंदी के कारण ख़त्म हुए जा रहे थे उनकी कमर पे भी एक बड़ा लठ ये मार दिया गया। इसको ये सिर्फ चाहे ये विद्युत दरों का माध्यम हो, चाहे ये मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके जिस आदमी की 15,000 की भी स्कूटी नहीं है उसके 35-35 दुगने दुगने तिगने तिगने चालान कर रहा हो, इस क्योंकि सरकार का खजाना चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो, उनका खजाने खाली हो गए। तो गरीब आदमी हो, आदमी को जनता को लूट के अपना पैसा भर के किसी तरह चलाना चाह रहे हैं और स्लोगन सस्ते माध्यम से वो स्लोगन लगा के उन्हें बहलाना चाह रहे हैं। इस वक्त वो एनेस्थीसिया दे रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जब एनेस्थीसिया से आदमी जागेगा और अपने पाएगा कि उसके सभी अंग निकल चुके तो वो बड़ी बड़ी विकट स्थिति में होगा, उस स्थिति में होगा कि वो अपना जीवन जी सकेगा या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। उसी का विरोध कर रहे हैं हम लोग और हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो बड़ी दर है इनको ख़त्म किया जाए, इनका समाप्त किया जाए। अदर जी, बीजेपी सरकार जब से आई है संपूर्ण समर्थन बढ़िया मिला, सरकार दोबारा बनी है, तो इस तानाशाही जो फैसले ले रहे हैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या क्या आगे प्रदर्शन? नहीं, कांग्रेस पार्टी इस तानाशाही के सामने खड़ी है और कौन खड़ी है, विरोध कर रही है, संसद से लेकर सड़क तक हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि उन्होंने जनता को जो ऐसे नारे दिए, जो बहकावे के नारे दिए और जो उन्होंने धर्म के आधार पर बांटा, उसको उतरने में थोड़ा समय लगेगा। जब वो जनता के चेहरे, वो इनका नकाब उतर जाएगा, असलियत सामने आ रही है, खजाना खाली हो गया है, 2.25 करोड़ के लगभग रिजर्व मनी में से इन्होंने निकाल लिया, अभी रह क्या गया है, किस स्थिति में ये ला रहा है? स्थिति ये है कि आज इन्होंने 12% बिजली पे बढ़ा दिए और आज ये सिर्फ है जिसमें हेलमेट नहीं है उससे 2,000 ले रहे और जो जितने की स्कूटी नहीं है उससे दुगने पैसे लूट रहे, ये हाल इन्होंने कर दिया है। तो ये कब तक चलेगा? जनता त्राही मन जी, आज हमारा ये धरना इस है, ये अभी 3 दिन और चलेगा, कल से हमारा हस्ताक्षर अभियान है जो 3 दिन लगेगा, उसके बाद जैसे निर्देश प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्राप्त होंगे उसके अनुरूप आगे किया जाएगा। और मुजफ्फरनगर में अगर स्थानीय स्तर पे हम आपके माध्यम से बता दें यहाँ किसी तरह की भी है तानाशाही या जनता करते तो यहाँ हम लोग एक स्वतंत्र निर्णय हमारी यूनिट यहाँ पे लेगी मुजफ्फरनगर के लिए। तो लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।